সাগর ভট্টরাই ভোলানাথ দলয় সাকেত ঘোষ অজিত কুমার দাস নাদা রিমান ये कैंपसशिप जो है देखिए ऐसा है जितना जल्दी हो सके अपना जहाँ डेजिग्नेटेड कैंपस है वहाँ शिफ्ट होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन डिले इसलिए हुआ उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम रहा है और बजटिंग में कुछ इश्यूज रहा है. बाद में डायरेक्टर साहब से बात करके मैंने खुद एचआरडी मंत्री से बात करके पूरा अरुणाचल का एनआईटी का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसको कैबिनेट में लाया और कैबिनेट ने इसको पास किया और जो रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप क्लास एनआईटी का कैंपस बनेगा जोते में. ये हमारे अरुणाचल के लिए भी बहुत प्राइड का बात है, हमारे रीजन के लिए कि हमारे यहाँ बहुत शानदार एनआईटी बनेगा. और आपने दूसरा एनआईटी के साथ कंपेयर किया होगा, इसमें हमारे यहाँ जो रिवाइज एस्टिमेट था सबसे ज़्यादा था. जितना एनआईटी जो इस बार रिवाइज एस्टिमेट में कैबिनेट ने पास किया उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो सैंक्शन अमाउंट है वो अरुणाचल एनआईटी का था. तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और रिवाइज एनआईटी जो एस्टिमेट पास होने के बाद शानदार वहाँ कैंपस बने, नया इंस्टीट्यूट का वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बने हम लोग चाहते हैं. अभी रोड जो अप्रोच रोड है उसके लिए भी डीसी साहब से बात किया तो उसका अभी पूरा काम चल रहा है और राज्य सरकार भी उसको अभी प्रायोरिटी में ला रहे हैं. क्योंकि जहाँ इस तरह का हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या इम्पोर्टेंट सेंटर है वहाँ रोड अच्छा होना चाहिए. अप्रोच रोड जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर सकते हैं. तो जोते में और भी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और रोड बनने के बाद में मैं समझता हूँ कि अगले सीजन जो कन्वोकेशन होगा तब तक ये सब शिफ्ट ये जो बनाने का कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए. और दो साल का टारगेट दिया हुआ है लेकिन पहले होना चाहिए, मेरा ऐसे उम्मीद है. सर कोरोना वायरस के ऊपर में आप लोग का एडवाइजरी क्या है? कोरोना वायरस का तो हेल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वो तो अरुणाचल तो इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू चाइना. नहीं नहीं, वो चाइना से यहाँ आना जाना नहीं होता है अरुणाचल के साथ में. ये हमारा बॉर्डर बंद है. बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योति इंस्टीट्यूट सर यहाँ पे भी यहाँ कैंपस में भी सर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं. देखो जो जब भी कोई नया इंस्टीट्यूट बनता है ना, टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें तकलीफ तो होगा क्योंकि टेम्पररी कैंपस में तो सब व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि वो टेम्पररी है. जो कुछ भी होगा वो परमानेंट कैंपस में होगा. मेरा इस एनआईटी के साथ में लगाव शुरू से है क्योंकि ये मेरा ही जोरदार से ये एनआईटी यहाँ लाया गया है. 2007 में जब फाइनल जब ये हुआ, जब डिसीजन हुआ, उस समय मैं एमपी था और वहाँ उस समय का एचआरटी मंत्री से बातचीत करके ये एनआईटी को अरुणाचल के लिए सेपरेट लाया गया है. तो शुरू से लेकर के इसका लोकेशन से लेकर के इस्टेब्लिशमेंट तक मेरा इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे लिए ये एक निजी तौर पर एक सुखद अनुभव भी है, एक सेटिस्फेक्शन है कि जिस इंस्टीट्यूट को मैंने जोड़ करके लाया और उसी इंस्टीट्यूट को परवरिश करने के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए भी मैं जोर कर रहा हूँ. और ये मेरा जो सपना है वो पूरा होगा, ज़रूर होगा. अभी फंड भी आ गया, कंस्ट्रक्शन काम अभी तुरंत शुरू हो जाएगा.